नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। बैंक ग्राहकों के लिए मोदी सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब किसी बैंक के डूबने पर आपको अपनी जमा पूंजी डूबने की चिंता नहीं करनी होगी। 90 दिनों के भीतर ही आपको अपने 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके लिए कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि DICGC में संशोधन की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से उन बैंक ग्राहकों को राहत मिलेगी जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद हो चुके या फिर लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंसी हुई है। अब अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या उससे पैसे निकालने पर प्रतिबंध लग जाता है तो जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तो सुरक्षित ही रहेंगे। 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब अगर कोई बैंक डूब जाता है या फिर वो दिवालिया हो जाता है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है या फिर उस पर RBI ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है तो इन सभी कंडीशंस में 90 दिनों के भीतर ही खाताधारकों को उनकी 5 लाख रुपए तक की जमा पूंजी दे दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अगर किसी बैंक पर किसी तरीके का कोई संकट आता है तो पहले 45 दिनों के अंदर उन सभी खातों की जानकारी जुटाई जाएगी जिनके लिए दावे किए गए हैं। इन सभी खातों को DICGC को सौंपा जाएगा। DICGC इन खातों को चेक करेगा और फिर अगले 45 दिनों के अंदर सभी खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक की रकम देने का प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें कमर्शियल बैंक, विदेशी बैंकों की भारत में मौजूद ब्रांचेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक और यहां तक कि ग्रामीण बैंक यानी सभी बैंक कवर होते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बीमा के लिए प्रीमियम बैंक देता है, ग्राहक नहीं। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है। ये बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है। अब तक नियम ये था कि जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए का बीमा होने पर भी तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक RBI कई तरीके से प्रोसेस पूरा नहीं कर ले। इससे जमाकर्ताओं को लंबे समय तक उनका पैसा नहीं मिलता। वहीं अभी तक के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रुपए की ये वापसी ग्राहकों को तब होती है जब किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है और उसके लिक्विडेशन यानी कि एसेट्स बेचने की प्रक्रिया वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन एक्ट में बदलाव से ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। अब 3 महीने के भीतर ही जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस करना होगा और बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस साल के बजट में इस बात की घोषणा की थी जिसे अब सरकार ने लागू कर दिया है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुए फ्रॉड के बाद बैंक के ग्राहक अपना पैसा वापस करने की मांग करने लगे थे। इसके बाद बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता के पैसों की सुरक्षा के लिए ये घोषणा की थी। DICGC एक्ट के प्रावधानों के तहत अगर कोई बैंक डूब जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है तो हर एक जमाकर्ता को भुगतान करने की जिम्मेदारी DICGC की होती है। DICGC ही यह सुनिश्चित करता है कि किसी बैंक के बर्बाद होने पर उसके जमाकर्ताओं को उनके कम से कम 5 लाख रुपए वापस कर दिए जाएं। पहले बीमा राशि सिर्फ 1 लाख रुपए की थी लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल ही से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। हालांकि अगर तय रकम के अलावा किसी ग्राहक के 5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट बैंक में जमा है तो फिर उसकी बाकी की जमा राशि डूबने का डर रहता है। वित्त मंत्री ने बताया कि हर बैंक में वास्तव में जमा राशि के 100 रुपए के लिए 10 पैसे का प्रीमियम हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है। ये किसी भी समय प्रति 100 रुपए के लिए 15 पैसे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि DICGC बिल 2021 के तहत सभी जमाओं का 98.3% कवर किया जाएगा और जमा रकम के मामले में 50.9% जमा रकम को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा रकम सभी जमा खातों का केवल 80% है, ये जमा रकम का केवल 20-30% कवर करता है। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।